तो ये देख लो मीडिया का ये कमाल है, हमारे को 850 वाली चप्पल 500 में मिल गई, ऐसे ना। देख लो ये टमाटर है, ये मूली है, और ये क्या है? ये बोलते हैं इसको पापड़ी बोलते हैं। अच्छा वालोड़े, वालोड़े। तो लोग मान ही नहीं रहे के, बोले 250 एकड़ उनकी जमीन नहीं यार, वो तो कभी दोबारा विजिट उसका करो। 250 एकड़ है ना उनकी बनी, इंडिया वाले भाई नहीं मान रहे, बोल रहे 250 एकड़ नहीं है इनकी जमीन। तो ये उस दिन मेरे को इसने, हेलो गाइस जय श्री राम। देख लो हमारे हेमराज भाई का रिक्शा खराब हो गया है, ये देख लो, ये गरीब है, इसके मतलब हालात बहुत ही अभी ख़राब लगे पड़े। ये छोटे छोटे बच्चों के जो चीज़ें बेचता जिससे भी रह गया, ये देख लो रात इसका रिक्शा टूट गया था, ये देख लो ये भी टूट गया था, इसको हमने वेल्डिंग किया, जुगाड़ किया, नया आता पर इतने हेमराज भाई के पास पैसे नहीं थे, ये देख लो इसको भी हमने वेल्डिंग करके जुगाड़ किया, देख सकते हो ये टूट गया हमारे हेमराज भाई का रिक्शा, इसको हमने जुगाड़ किया, इसके पास इतने पैसे नहीं जो ये रिक्शा नया मतलब नया सामान लगवा सको, आगे वाला चेन सेट भी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हेमराज भाई क्या मसला आपसे? मसला ये है कि अभी चेन सेट खत्म था, इसकी वजह से गाड़ी ने उल्टा पुल्टा चली ना। हाँ, ये हड्डी टूट गई, इसका जो हड्डी है वो टूट गया दोनों साइड से। अच्छा, और ये फटा है तो फटा भी टूट गया है, और दोनों एक्सल भी नए डाले हैं, एक्सल दोनों नए लगाए हैं, अभी तक तो फटा तैयार हो रहा ही नहीं है, अभी क्या करें, पैसे भी नहीं है, अभी जहाँ है यहाँ पे खड़ा है। जो मेरे पास बेचने वाली चीज है वो है फ्रूट, फ्रूट सारा गल गया है, पांचवा दिन है, क्या करे। ये देख लो ये हमारा, ये हमारा भुट्टा भाई, भुट्टा भाई देखो, रघुनाथ भाई है जी, रघुनाथ नाम है असल में, और भुट्टा भुट्टा कहता है सही भुट्टा। पर ये देख लो ये गरीब हेमराज की क्या हालत हो यार, ये छोटे छोटे बच्चों के जो चीजें बेचता है ये देख लो, सही बात, ये इसको भी मैंने कल जुगाड़ करके दिया, ये देख लो ठीक है, ये इतने पैसे इसके पास नहीं थे तो ये एक्सल दो इसने नए डलवाए, खाली एक्सल इसके 2000 का है ठीक है। और ये देख ले ये भी इसकी हंडी भी टूटी हुई थी, ये तकरीबन 2500 की आ रही थी, बोला यार इतने मेरे पास पैसे नहीं है जुगाड़ कर दे, तो मैंने इसको भी जुगाड़ कर दिया। तो भाई ये देख लो ये हमारे हेमराज भाई की जो रोजी रोटी है, मतलब इसकी जो भी ये कारोबार, ये रिक्शा है ऐसे ना, ये कारोबार रिक्शा है ना इसका। अच्छा तो ये देख लो, हाँ खेती बाड़ी है नहीं, जो भी हेमराज भाई का कारोबार है तो ये गरीब है हेमराज भाई बिल्कुल। ये देख लो अभी इसका फट्टा भी मतलब नहीं बन रहा, तो अभी जुगाड़ कर रहा है फट्टे को, इसके पास इतने पैसे नहीं है जो ये वाडे के पास जाके इसको सेट करवा सके, ऐसे ना भाई। मसला ये है ना यार, भी वो तो मांग रहा है अभी 3000 मांग रहा है, बोला 3000 में सेट करके दूंगा, 3000 में मैं कहां से लाऊं अभी। तो ये भी देख लो रात हेमराज भाई ने इसको सोराख हाथ से किया है, ऐसे ना हाथ से किए थे ना, हाथ से किए हैं गिरमट पे, गिरमट कहां गया वो उस डब्बे के अंदर पड़ा है। तो ये देख लो इस गिरमट से हेमराज भाई ने सोराख किए थे, ये देख लो इससे, ये कुछ इस तरीके का गिरमट है, पर पुराने दौर में ये तो होते थे, अभी तो आगे लेट वाली मशीन है, पर हेमराज भाई ने पुराने दौर वाला काम किया, देख लो इससे सुराख किए, ये 1 2 3 4 सुराख किए, जुगाड़ कर रही है ना, सही है। तो ये हमारा हेमराज भाई था, तो इससे ये हालात लगे पड़े, इसके पास इतने पैसे नहीं जो रिक्शे को नया बनवा सके, रिक्शा नया ले, मतलब पूरा इसका रिक्शा जला पड़ा। और ये हमारा हामता भाई भी आ गया है, इसके पास भी रिक्शा था, इसने भी बेच दिया है, ऐसे ना हामता भाई। हमता भाई यार वो दिखाई थी, बोला इनकी 250 एकड़ जमीन है, तो मेरे को तो नहीं पता था, ऐसे ना भुट्टा भाई, भाई। इधर यार हम गए थे कृष्ण की गोड़ की तरफ, 250 एकड़ उनकी जमीन आते है, ये सच्ची बात है, उनकी जमीन है अपनी घर की। अच्छा है, पुराना होगा, पुराना खानदान इनका, जब वो निकालेंगे तो इससे बाद जो पता पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं पड़ता है। नहीं नहीं 250 एकड़ जमीन है उनकी, 250 एकड़ था, बाप दादू की था, तो पता नहीं कृष्ण की थी 250 एकड़, तो अभी तो कृष्ण के 10 लड़कों को 25-25 एकड़ आई है, वो बांट दी ने उसमें, बांट दी है 10-10 एकड़ आया, कोई 12-12 एकड़ आया, वो सारे को लड़के को दिए, को बच्चे को दिए। तो ये देख लो ये हमारे कुछ इस तरीके के भाई रिक्शे पाकिस्तान में, ये रिक्शा है एक इस तरफ रिक्शा है, मतलब रोजी रोटी इस पे करते हैं, ऐसे ना रोजी रोटी करते हो ना इस पे। हम ये 5 चक्कर लगाया मेरे पास, जम्पर आगे वाला मेरा खत्म हो गया। अच्छा तो ये भुट्टा भाई पे आया, ये भी बोल रहा मेरा रिक्शे में क्या है, अपने अपने रिक्शे में दिखाओ क्या हो गया, देखते हैं भुट्टे भाई का रिक्शा देखने जा रहे हैं, भुट्टे भाई के रिक्शे को क्या हो गया देखते हैं, भुट्टा भाई क्या हो गया, मेरा ये डंपर नहीं है। हाँ ये दोनों उंगलियों सील डालना पड़ेगा। अच्छा लीक हो गया, वर्किंग नहीं कर रहे ऐसे ना, वर्किंग नहीं कर रही है, देखो जोर जोर से दबा, जोर से दबा, जोर से दबा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे, देखो ऊपर 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 बैठ, ऊपर बैठ, देखो वर्किंग नहीं हो रहा है।
अभी कर रहा अभी आपने मतलब बैठ जा रहा नीचे ना बिल्कुल सीले लीक हो गया सर। अच्छा लीक हो गई सीले बैठ जा रहा बिल्कुल है। और ये आपका सीट भी टूटा पड़ा है ये सारा निकला पड़ा है। इसके ऊपर बैठे कैसे रहते हो ये देख लो ये हमारा भुट्टा भाई है सारा गरीब ये भुट्टा भाई आपने किस्तों पे लिया था या कैश में लिया था सर उसी टाइम में तो मेरे पास कुछ पैसे थे भैंस बेची थी है ना तभी तो सस्ता था तभी तो 75,000 का मिला था ऐसे ना। अभी ये कितने का हो गया है अभी ये तो 2,00,000 से भी ऊपर हो गया 2,00,000 से भी ऊपर है 2,30,000-2,35,000 बता रहे पहले 75,000 का था जी हाँ। अच्छा तो सही ये देख लो ये हमारे भुट्टे भाई की गाड़ी है कुछ इस तरीके की भाई, हम दो चक्कर तो, एक चक्कर मार के आए तो इनकी भी बीच वाली चेन वाली है ये देख लो ये बीच वाली चेन है। और ये हेमराज भाई का पड़ा जो मतलब इसमें चीज बच्चों की चीजें वगैरह रखते हैं। तो इस तरह हमारे एक चाचा जी है वो पता नहीं क्या बेच रहे आजा चाचा के पास चलते हैं भगत के पास चलते आजा। तो अभी मैं और भुट्टा जा रहे हैं हमारे भगत भाई के पास जो भी गाजर लगा के बैठा ऐसे ना भुट्टा भाई और ये हमारी नहर जा रही है छोटी सी। और इस तरह हमारा केबिन वाला भाई है क्या नाम है भाई आपका ये देख लो ये हमारे हिंदू भाई का सब्जी का ठेला है ये देख लो ये हमारा नमस्ते भाई नमस्ते नमस्ते ये देख लो ये हमारा भगत रामसन भगत रामसन भगत नमस्ते बोलो इंडिया वाला ने ये देख लो ये हमारे रामसन भाई ये क्या लगाया आपने हाँ रामसन भाई गाजर है ओह ये तो ये क्या किलो मिले आपको ये मिले महंगे मिले महंगे मिले आपको क्या रेट है ये क्या किलो 100 रुपए किलो 100 रुपए किलो। तो गाय ये देख सकते हो ये गाजर रामसन भाई को 100 रुपए मिले हैं तो अभी 120 या 110 ऐसे ही बेचोगे ना आप 10 रुपए मुनाफा रखेंगे। तो ये इनका छोटा सा ठेला रामसन भाई का ये देख लो इसकी रिम भी टूट गई है ऐसा ना रामसन भाई इसकी रिमें भी टूटी है बुटा जी रिम भी टूट गई है मतलब जुगाड़ी सारा हुआ पड़ा है। और ये भी रामसन भाई ने पता नहीं किराए पे लिया अपना ठेला अच्छा ठेला भी किराए पे तो फिर आपको क्या बचेगा इसमें तो कुछ नहीं बचेगा बचेगा कुछ बचा शाम को ये देख लो ये हमारे रामसन भाई है मजबूरी है ये देख लो ये हमारे रामसन भाई है ये कुछ बच्चों के लिए ये गुजारा कर रहे हैं तो कुछ गाजर बस गाजर ही रखे या और भी आइटम है ये देख लो ये हमारा देख लो मिठाई वाला भाई है अभी ये सब्जी लेने आया है ना वो इधर आ भुट्टा भाई ये सब्जी के नाम बताओ क्या क्या नाम है ये क्या है ये मूली है और ये तो आलू पटाटे आलू और ये मूंगफली नहीं है सिंगर है बोलते हैं सिंगर है इसका नाम भाई सिंगर उर्दू में इसको सिंगर बोलते हैं हम तो इसको हांगरी बोलते हैं हांगरिया है। और ये क्या है ये मूली ये भी मूली ये मूली कहाँ से बोल मूली है सरजम है ये और ये सिंधी तूरी है अंग्रेजी तूरी है और ये बंद गोभी है ना ये देख लो ये क्या है ये भी गोभी है ये गोभी कहाँ से आई इसका नाम क्या है टिंडा है ये कौन सा टिंडा है पंजाब का भाई ये टिंडा है। और ये हमारे गाजर पड़े और इस तरफ कद्दू पड़े ऐसे ना गोल कद्दू है और ये वो ये तो समझ गए होगे ये क्या है ये बैंगन है भाई और ये मिर्ची है और इधर फूल गोभी है और ये खीरा पड़ा है ऐसे ना और लीमन भी है। तो ये हमारे हिंदू भाई का ठेला है ऐसे ना ठीक है। तो ये देख लो ये हमारे हिंदू भाई का ठेला है कुछ इस तरीके का छोटा सा ठेला है इनका। तो अगर आपकी कोई हेल्प करे जी सर तो आप क्या ये रिक्शा ने बनवा लोगे सही बनवा लेंगे कुछ करेंगे। तो गाइस कोई ऐसा बंदा हो तो हेमराज भाई की हेल्प करना चाहे तो कमेंट में मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दूंगा किसी को हेल्प करनी है हेमराज भाई की तो हेल्प कर दे ताकि मैं हेमराज भाई को दे सकूं तो कुछ ये अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कर सके। तो ये हमारे हेमराज भाई के मतलब हालात बोरी बुरे तो इनका घर भी मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा इनके घर की हालात क्या लगे पड़े तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और ये हमारे हिंदू भाई का चप्पलों का दुकान भी इधर ये देख लो ये चप्पलों का दुकान है ये भी हमारे हिंदू भाई का है ना सर ये मैंने बोला था आपको ये लाया है ये देख लो ये भी भाई हमारे भीमा राम का ये हमारा भीमा भाई है ये बैटरी भी चार्ज करता है ये कंप्यूटर भी इसका ये भी जुगाड़ कर रहा है इधर सिलाई मशीन भी है इनके ऐसे ना बुटा भाई और ये चप्पलों के दुकान भाई चप्पल भी बहुत महंगे ये चप्पल ये पड़े ऐसे ऐसे ये 800 से 900 तक के ये बाखड़े चप्पल इनका क्या है ये देख लो ऐसे चप्पल ये 800 ये कितने का बीमा भाई 500 रुपए का है ये 500 का है जी सर। भाई भुट्टा देश को 500 दे अभी सही वारे में आया देख अभी नेट में सही वारे में आया पहले ऐसे आते थे 800 900 दे 500 दे मैं दे रहा हूँ दे 500
नहीं क्यों देख, नहीं नहीं 850 क्यों, अभी देख लो गाइस, पहले 500 बोले, अभी बोल रहे 850, ये तो गद्दारी है ना। नहीं ये देख लो भुट्टा भाई, वाह वाह, ये देख लो गाइस, ये चप्पलें लगी पड़ी हमारे भेमा भाई की है, रख ले भुट्टा भाई, ऐसे मजाक कर रहा है, वाकई ये चप्पलें बहुत महंगी है पाकिस्तान में। और ये जोड़े 500 रुपए में दे रहा हूं। तो अभी आप अपने दर्दी की दुकान पे दिखाते हैं, अपने जो अपना कृष्ण राम की दुकान है ना, वो दिखाते हैं अपने मार्केट में। भुट्टा भाई चलो, हमारे कृष्ण भाई की दुकान है, ये देख लो, ये मशीनें लगी पड़ी है, इधर डेरिया वगैरह है, ये देख लो, ये क्या नाम है भाई आपका? सागर नाम है। ये सागर भाई है हमारे, ये देख लो, अभी जोड़े को क्या काट रहे हो से ना, अभी ये जोड़े की बेड़ी बोल रहे, ये देख लो इधर, ये कटाई करके कपड़े भी रख दिए इनकी, अब सिलाई होगी, ये मशीन है इनकी, कितनी 4 मशीन है भुट्टा भाई इधर? जी जी चार है। हाँ ये देख लो, ये चार मशीन है इनकी। तो ये देख लो, ये जोड़े मतलब ये तैयार हुए पड़े जोड़े, और इधर इधर विष्णु भगवान का ये देख लो एक फोटो भी लगा, अगरबत्ती जल रही है और फूलों के हार भी चढ़े हुए हैं, और इस तरफ 2 बैटरियां भी पड़ी इनकी, मतलब लाइट चली जाए तो बैटरी में काम कर सकते हैं, और ये इनकी स्त्री है, कुछ इस तरीके की स्त्री है, तो ये बोर्ड वगैरह है, तो ये देख लो, चले भुट्टा भाई आगे, अभी अभी कहाँ चले, अभी मोबाइल की दुकान पे चले अपने हिंदू भाई। तो ये हमारे सुरेश भाई है, सुरेश भाई राम राम, ये सुरेश भाई है, तो इनके ये भी पहले व्लॉगर थे, तो इनका भी सुरेश नाम, क्या नाम से अपना सुरेश ठाकुर, तो अभी इनकी कुछ मजबूरी होगी थी तो इन्होंने मोबाइल भेज दिया है, तो हालात मतलब ख़राब लगे पड़े। भुट्टा भाई ये देख लो, ये हमारे हिंदू भाई का जो है, मतलब हमारी मार्केट में ये दुकान है, ये मोबाइलों की छोटी सी दुकान है, ये देख लो कुछ चार्जर वगैरह, ये वो मतलब सारा चाइना का माल पड़ा अंदर है, भुट्टा भाई है। इंडिया का कुछ भी नहीं है अंदर, इंडिया का इधर आते हैं तो वो मांगे भी देते हैं, महंगी है, चाइना की सस्ती पड़ती है ना, तो ये सारे जो मतलब ये चार्जर वगैरह, ये मोबाइल कवर, ये सारे चाइना के माल है, तो ये मोबाइल का दुकान है। तो ये देख लो, ये हमारे परचून का दुकान है, ये भी हमारे गंगाराम भाई का है, इधर आओ, ये देख लो इन्होंने, इधर आओ भुट्टा भाई, ये क्या है, ये कौन सा चावल है? ये एरी चावल है। अच्छा एरी चावल, ये देख लो, ये भी महंगे, ये भी गाय, ये क्या किलो होंगे तकरीबन, ये कहाँ के चावल है? अच्छा वो हमारा गंगा भाई अभी बाहर काम कर रहा है, नहीं तो ये 180 रुपए कम से कम नहीं देगा। और ये गुड़ पड़ा, ये देख लो, ये गुड़ हाँ, ये गुड़ हमारे इधर पड़ोस में बनता है ना जी, उधर बहुत बना रहे, बहुत बना रहे, देख लो। तो ये भी हमारे भाई गंगाराम भाई का दुकान है, और ये देख लो इसमें पता नहीं क्या है, इसमें क्या है, इसमें पता नहीं क्या है, पत्ती है पता नहीं क्या है, और ये देख लो ये साबुन पने पड़े, और ये साबुन भी बहुत महंगे है भाई जी सर, ये साबुन बहुत महंगे, ये देख लो ये क्या साबुन, ये तकरीबन 150-160 रुपए ऊपर है एक, मतलब ये 200-250-300 का एक पैकेट है, ये इतना सा एक पैकेट 250-300 रुपए एक पैकेट है जी सर। तो ये देख लो ये सरफ पड़े, भुट्टा भाई अभी चलो हेमराज भाई के पास दोबारा, ये जंपरों का पैसे कितने लगे, जंपरों के पैसे देखते हैं जो बना, नहीं नहीं रियाज से लगाएंगे, ये अपना ये मेरा दुकान है इस तरफ, ये देख लो ये अभी बच्चे काम कर रहे हैं, ये जनरेटर पड़ा है, ये टंकी पड़ी है। तो दोस्तों ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये देख लो ये हमारा हेमराज भाई अभी भी बेचारा लगा पड़ा है, तो इसकी कुछ हेल्प कर सको तो कर लेना, क्योंकि मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर रब्ता करना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।